ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल क्रेजी ट्रिक्स विद महेंद्र और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे किसी भी फिगर्स के अंदर छुपे हुए ट्रायंगल्स को वेरी शॉर्ट मेथड के द्वारा कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम। ये हमारा सबसे पहला फिगर और हम देखते हैं इसके अंदर कितने ट्रायंगल है। आपको दिया गया है क्वेश्चन कि दी गई ज्यामिति आकृतियों में कितने कितने त्रिभुज है, मीन्स ये सभी में अलग अलग कितने त्रिभुज से हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप बताइए इसके अंदर कितने ट्रायंगल है। चलिए हम फाइंड करते हैं और इसकी हम इस तरीके से जो काउंट करते हैं ऐसा नहीं करेंगे, हम वेरी शॉर्ट मेथड के द्वारा इसको फाइंड करेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर करना क्या है। इसके अंदर हमें नंबरिंग करना है, नंबर इसको देना है 1, 2, दोनों दो हुए इसके अंदर 1 और 2, तो दोनों को आपस में प्लस कर दिया 3। तो दी गई आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है, 3 इज योर आंसर। इसी टाइप का ये वाला है 1, 2, 3, 4, तो आपस में सभी डिजिट को प्लस करना है 4, 5 और 5, तो 10। तो इस वाली ट्रायंगल के अंदर फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल है, 10, और 10 इज योर आंसर। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा हमने कैसे फाइंड किया है। चलिए आइए आगे वाले को देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, सभी को आपस में प्लस करना है 4 प्लस 5, 5, 5, 10 और 15। तो अब इसके अंदर एक और बीच में लाइन है, मीन्स क्या हो रहा है, जब एक ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, इस लाइन को आप भूल जाइए, अगर इस टाइप का ये फिगर बना हुआ है तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल है टोटल, 15, बट यहाँ पर बीच में एक और लाइन हो गई तो ये हाफ हाफ हो गए, मीन्स एक के दो हो गए, तो इंटू टू कर देंगे। तो इस वाले फिगर के अंदर टोटल कितने ट्रायंगल हैं, तो आपका आंसर है 30। तो अगर इस टाइप से आप काउंट करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ये हमने जो है बहुत कम समय में इसको फाइंड कर लिया है। तो आपको भी एग्जाम में ऐसे ही फाइंड करना है वेरी शॉर्ट मेथड के द्वारा, ठीक है। अब इस टाइप का हम देखते हैं, अब ये वाला जो हमने फाइंड किया था इसके अंदर 3 था। अब आपको लग रहा होगा कि इतने स्मॉल और छोटे से फिगर तो एग्जाम में आएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे दोस्तों। लेकिन क्या होता है, अगर इस टाइप का फिगर बनता है और उसके अंदर 3 ट्रायंगल होते हैं, ये आपको याद है, तो आप बहुत जल्दी बड़े बड़े फिगर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो हम छोटे से इस फिगर से लेते हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं हमारी, और हम इन छोटी छोटी चीज़ों से इन बड़े बड़े को फाइंड करेंगे। ये आपको भी पता है कि एक बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो ऐसे ही हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर 3 था, तो अब मैंने सीधा इस ट्रायंगल को देखा, इसमें मुझे ऑटोमेटिक ऐसा दिखाई दे दिया कि यहाँ पर 3 है, मीन्स 3 बन गए, यहाँ पर भी ये यहाँ से ऐसा और ये, तो ये 3, ये 3, आपस में प्लस कर दूंगा मैं, प्लस एक और ये बीच का बन रहा है, तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए इसके अंदर, 10। तो ये हमने कम समय में कैसे फाइंड किया, क्योंकि हमें यहाँ से पता था, हमें छोटी वाली चीज थी, हमने न्यू को पकड़ा था, हम सीधे डायरेक्ट इसको फाइंड करने के लिए नहीं आए थे। इसलिए अब शुरू से ही छोटे वाले फिगर्स को ध्यान में रखें, कैसे हमने फाइंड किया है, मेथड को समझे कि कैसे हम फाइंड कर रहे हैं। मेथड को आप रटना नहीं है, हमें समझते हुए चलना है कि कैसे हमें आगे वाले बड़े से फिगर को उसके अंदर ट्राइंगल को फाइंड करना है। अब चलिए आइए देखते हैं इस टाइप का फिगर, इसके अंदर पूछा है आपको कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, हाउ मेनी ट्रायंगल। तो उसको फाइंड क्या करना है, जब इस टाइप का फिगर बना रहता है तो उसमें हमें याद रखना है, अभी हमने जो पिछले वाले बनाए थे कि सिंपल वो जो फिगर बना हुआ था उसके अंदर कैसे ट्रायंगल को फाइंड किया था, तो इसमें हम देखते हैं, इसमें भी नंबरिंग करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
अब टोटल कितने हो रहे हैं, 8। तो इसके अंदर हमें हमेशा ध्यान रखना है 8 इंटू 2 करना है, यानी कि टोटल इंटू 2, तो 16। 16 इज योर आंसर। तो इस टाइप का अगर फिगर जहां भी बनेगा उसके अंदर टोटल आपको ऐसे काउंट करना है, टोटल इंटू 2 कर देना है, तो आपके आंसर बन जाएंगे। अब आइए इस वाले फिगर को देखते हैं। ये बहुत ज्यादा आईएमपी है क्योंकि ये व्यापम का और एसएससी का फेवरेट है। अभी जो एसएससी 2017 में हुआ था एमटीएस का, उसके अंदर भी इस टाइप का एक फिगर आया था, बाकी वो इससे भी छोटा था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए हम समझते हैं इसमें होता क्या है। इसमें दो मेथड है, शॉर्ट वेरी दो मेथड है जो बहुत ज्यादा शॉर्ट है इसमें। एक तो आपको ध्यान रखना होता है, ये थ्री जो होता है इसका 3 का मान होता है 13, 4 का मान होता है 27 और 5 का होता है 48। इस चीज को आपको याद रखना है, अगर आप याद रख सकते हैं इसको तो ये इससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इस चीज को कैसे करना है कि 3 का 30 करना है, 4 का 27 और 5 का 48, तो इसको मैं बता देता हूं। इस टाइप से जब फिगर बनता है ऐसा, इसी चीज को हमें देखना है कि ऐसे ऐसे में कितनी लाइन है, 1 2 3 4, यानी कि 27। सीधा सा कुछ किया ही नहीं, अगर हम अलग अलग फाइंड करने बैठते ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और इसमें ज्यादा टाइम लगता है स्टूडेंट को इस टाइप की शॉर्ट मेथड्स पता नहीं होती है, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन बार बार दिया जाता है। व्यापम का भी फेवरेट है और एसएससी का भी फेवरेट, सो प्लीज इस मेथड को तो आप बिल्कुल ना भूलें। तो इस टाइप का अगर इसमें फोर्थ है तो हमने 27 कर दिया, बट अगर यहां से इतना ही होता 3 तो आंसर बनता 13, अगर एक और ज्यादा हो जाता तो हमारे 48 आंसर। लेकिन अगर आप वहां पर भूल गए कि 3 का 13 था, 4 का 27 और 5 का 48, तो हमें अब क्या करना है, सेकंड वाली हमारी मेथड है उसमें क्या करना है, इनको आपस सभी को काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला मान लो या कुछ भी, उसमें क्या करना रहता है, टोटल इंटू 2 माइनस 5, ये आपको याद रखना। टोटल कितना है, 16 इंटू 2 माइनस 5, 32 माइनस 5, यानी कि 27, ये भी आपका आंसर। और ये तो आपको ये इस टाइप से आप जल्दी फाइंड कर सकते हैं, और इसमें भी कुछ नहीं करना है, तो मैं ऐसा बना के आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा है कि लेंथी है बट बहुत ज्यादा शॉर्ट है। सो प्लीज दोस्तों इसको आप ध्यान में रखिएगा और आराम से समझते हुए चलिए, जल्दी ना करें और रटने की कोशिश ना करें, ज्यादा से ज्यादा आप समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कैसे हम फाइंड कर रहे हैं और दिए हुए फिगर्स में किस टाइप से हम क्वेश्चन को जो है समझ करके हम आंसर दे रहे हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब इसके अंदर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे हमें करना है, हमने वही चीज सीखा था। 3 3 3 वाले को देखते हैं, ऐसा 3 बना हुआ है, मुझे समझ में आ गया, एक बार में मैंने सीधा सा क्वेश्चन को देखा, मुझे समझ में आ गया इसके अंदर 3 3 बना हुआ है। तो एक तो ये वाला 3 बना है आपका यहां से यहां तक, तो इसको मैं कर दिया 3 3 प्लस, फिर आपका बना हुआ है एक ये प्लस 3 प्लस, फिर ये 3। अब जब इधर 3 बना हुआ है, ये हाफ हो गया तो इधर भी 3 बनेगा, ये यहां वाला बनेगा एक 3, फिर ये वाला बनेगा, फिर ये बड़ा बनेगा, तो डायरेक्ट इनको कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, ऐसे तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इस टाइप के फिगर में आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, वो क्या चीज है, हिडन। देखिए आप ऐसे समझिए कि जब दो चीज मिलती है ना, तो दो चीज मिलने के बाद आपस में एक तीसरी चीज को बनाती है, ठीक है, तो उसी तीसरी चीज को हम ध्यान में रखना है कि जब दो फिगर्स मिलेंगे तो एक तीसरे वाले फिगर को बनाएंगे, और तीसरे वाले फिगर को हमें कैसे देखना है कि कौन सा वाला फिगर आपका बन रहा है। तो आप देखेंगे एक और ऐसा वाला बना है, ये यहां से यहां तक ये वाला फिगर आपका एक और बना है, तो ये भी 3 है, वो ही वाली चीज आपने या वहां पर देखा था फर्स्ट में ऐसा, तो इसको भी हम 3 कर देंगे, जब इधर बना है तो ये एक और इधर भी बनेगा प्लस 3। तो अब मुझे तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे अदर ट्राइंगल, क्योंकि
क्योंकि ये वाला भी ट्रायंगल बनेगा नहीं, ये यहाँ से ऐसा हो गया और ये सेम है नहीं, तो यहाँ वाले भी और बाकी ट्रायंगल है नहीं, बाकी और सभी काउंट हो गए। तो अब इसको हम टोटल कर देते आपस में, तो ये हो गए हमारे 24। तो इस वाले फिगर के अंदर टोटल कितने ट्रायंगल हैं? 24। 24 इज योर आंसर। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं हमारे अगले वाले फिगर को, इसके अंदर कितने ट्रायंगल है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हमने एक चीज को समझा था, वो क्या थी? ऐसे हमने नंबरिंग की थी, इस टाइप का था, उसमें इंटू टू किया था, तो ये फोर है, तो फोर इंटू टू एट को समझ में आ गया। यहाँ पर भी एट, यहाँ पर भी एट, यहाँ पर भी एट, डायरेक्ट लिख दिया मैंने 32 प्लस। समझ में आ गया ना आपको 32 कहाँ से लिखा है? इन सभी को आपस में मैंने प्लस कर दिया तो 32 आ गए। अब देखना है वही चीज, दो चीज मिलेगी, एक तीसरी चीज बनाएगी और तीसरी चीज को ही हमें देखना है, क्योंकि आप डायरेक्ट तो कोई भी फाइंड कर सकता है, लेकिन हिडन को देखना बहुत बड़ी बात होती है। तो हमें भी हिडन ही समझना है कि हिडन हमारे कहाँ कहाँ हैं। तो एक तो डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हो गया, और एक ये, तो मैं डायरेक्ट टू कर देता हूँ। फिर यहाँ से यहाँ वन, ओके, और वन, फिर टू कर दिया मैंने, फिर ये वाला वन वन प्लस टू कर दिया। ठीक है, अब हम और भी देखेंगे कि हमारे हिडन कहाँ पर बन रहे, इसके अंदर जो भी हिडन बन रहे होंगे उसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम और भी कहाँ पर हिडन है, आप भी देखते रहिए हिडन कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। हमने इसको भी काउंट कर लिया, इसको भी काउंट कर लिया, फिर इधर से इसको काउंट किया और इसको काउंट किया, लेकिन हमारा बीच में एक ये वाला बच गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक प्लस वन कर दिया। अब आपको देखना है हिडन और कौन सा बचा हुआ, इसको भी हम काउंट, ऐसे हमने काउंट किया था, फिर इसको काउंट किया, फिर इसको किया, फिर इसको हमने काउंट किया, और एक और ये यहाँ से यहाँ तक, ये बीच का, तो टोटल कितने हो गए? 40। आपको लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी कर दिया, लेकिन मैंने बहुत आराम से सोल्व किया। अगर आप भी इस वाले फिगर को काउंट करते ना, ऐसे फिगर में आपको दिया होता है कि इसके अंदर ट्रायंगल को सर्च करना है, तो आप इससे भी और जल्दी कर देते। आपको डायरेक्ट ऐसे 32 टू 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 किया और आपस में इन दोनों को भी देखा और सीधा सा फाइंड कर दिया कि कहाँ पर हमारे फिगर हैं और कितने फिगर्स ट्राइंगल्स हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट वाले को देखते हैं। चलिए इसको फाइंड करना है, इसके अंदर कितने हैं टोटल ट्राइंगल? 1 2 3 4। फोर का कितना होता है आपको पता है? 8 8 8, 24। डायरेक्ट 24 के बाद हमें करना क्या है? हिडन को देखना है, वन देन टू प्लस टू, वन और टू। आपको लग रहा होगा कि मैंने जल्दी जल्दी में फाइंड कर दिया, लेकिन नहीं, ये मुझे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर टोटल इतने ट्राइंगल हैं। तो हम करेंगे अब 24, 26 और 28। तो इस वाले फिगर के अंदर टोटल कितने ट्राइंगल है? 28। 20 इज योर आंसर। बस आपको ध्यान क्या रखना, इस टाइप से हिडन को देखना, दो चीज मिलेगी, तीसरी चीज बनाएगी, इस चीज को आप याद रखिएगा, बिल्कुल आप सॉल्व करते जाएंगे। अब इस वाले में हमें देखना है, तो वही तीन दिखाई दिए, जैसे मुझे तीन दिखाई दिए मेरे माइंड में आ गया कि थ्री होता है, तो अगर इस टाइप का फिगर बना होता है तो उसके अंदर कितने होते हैं टोटल ट्राइंगल? थ्री होता है। फिर इसके अंदर थ्री, ये यहाँ से एक और बना हुआ है ऐसा, थ्री इसके अंदर भी बना हुआ है, तो थ्री। ठीक है, अब हम थ्री थ्री वाले को देखते हैं, टोटल हमारे पास थ्री कितने हो गए? 12 12 किया। अब प्लस, अब मेन चीज आई है हिडन, हिडन को ही आपको देखना है। तो देखिए इधर से भी हो गया थ्री, इधर से भी हो गया, ये यहां पर आपको लग रहा होगा ये भी थ्री है, लेकिन ये थ्री नहीं है, क्योंकि
इस टाइप से अगर चीज बनती है ना तो वो ट्राइंगल के अंदर नहीं आती है। ये यहाँ पर गोला बनाया हुआ है, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ था, ये वाला जो फिगर है आपका ये आया था एसएससी सीजीएल की एग्जाम में, और ये उसने ऐसा बना के दिया था, और हम तीन करते हैं उसको, लेकिन नहीं करना है क्योंकि गोले के अंदर जब भी ऐसी चीज बनी होती है तो वो फिगर के अंदर ट्रायंगल में काउंट नहीं होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपका ये डाउट क्लियर हो गया ना कि यहाँ पर थ्री नहीं है। आप गलती से भी इसको काउंट ना करें, ये गोले को आपको गुमराह करने के लिए बनाया गया। तो चलिए हम बात कर रहे थे हमारे हिडन पर, ये थ्री थ्री वाले तो हमें समझ में आ गया, अब हमारा हिडन बना हुआ है एक, तो ये वन टू, तो ये आपस में टू कर दिया, ठीक है। अब हमें देखना है हिडन एक और कौन सा बना हुआ है, ये देखिए आप, ये बड़ा सा हिडन, ऐसे आपको समझ में आने चाहिए। जैसे आप फिगर को देखोगे, आकृति को देखोगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कौन से वाले हिडन बने हुए। अब ये वाले हो गए, ये हो गया, ये पूरा हो गया, हाफ हाफ में करके हो गया, तो एक पूरा बचा हुआ है, इसको हमने काउंट ही नहीं किया था। टोटल कितने हो गए ये, 17। तो 17 इज योर आंसर। तो दोस्तों आपको समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किया सीजीएल के क्वेश्चन को, जो सीजीएल का क्वेश्चन दिया हुआ था एसएससी ने, उस क्वेश्चन को हमने कितने कम समय में सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमारे पास एक मेथड है, हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क नहीं कर रहे, हम अलग अलग चीज को काउंट नहीं कर रहे, हमें पता है इस टाइप का बनता है जब गोला, तो उसके अंदर अगर ऐसा बनेगा तो वो ट्राइंगल काउंट नहीं होगा। ओके दोस्तों, अब हम हमारे आगे वाले को देखते हैं, इसमें कितने ट्राइंगल बने हुए हैं। तो इसके अंदर भी मुझे सीधा सा दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा और अब दिखने लग जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए दोस्तों, आपको भी दिखेगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए अगर आप एक वीडियो देख के अगर आप रुक जाएंगे ना तो कुछ नहीं होगा, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब मैं कर दूंगा थ्री, यहां पर ऐसा थ्री ये बना हुआ है, थ्री कर दिया थ्री, फिर एक ये ऐसा बना हुआ है तो इसको मैंने कर दिया थ्री, ठीक है। अब हम देखते हैं नाइन हो गया है तो टोटल प्लस, अब देखते हैं हम एक ऐसा बन रहा है स्क्वायर टाइप जो हमने वो पहले देखा था, तो वन टू थ्री फोर, फोर इंटू टू एट, तो ये हो गए एट और ये हो गए एट, हो गया। अब हमें देखना क्या है, अब इसके अंदर हमें हिडन को फाइंड करना है, तो हमने ये भी देख लिया, ये भी हमारा हो गया सॉल्व, अब हमें हिडन देखना है। हिडन दो चीजों को मिला करके हिडन हमारी बनेगी, तो हिडन हमारी कौन कौन सी बनेगी, देखिए एक तो ये बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है कि कहाँ पर बड़ा सा ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपको दिखाई दिया, फिर एक और इधर से बना हुआ है, ये बन गया। अब देखना हमें कि और कहाँ पर बन रहा है ट्रायंगल, तो ये हमने अलग से काउंट किया था, ये अलग से काउंट किया था, ठीक है, लेकिन इसको हमने काउंट नहीं किया था, आया ना आपको याद कि इस वाले ट्रायंगल फिगर के अंदर इसको हमने ट्रायंगल को काउंट नहीं किया था, तो वन ये एंड वन ये, टू थ्री फोर, तो इसके अंदर हम कर देंगे टोटल फोर। अभी टोटल कितने हो गए, 29। तो इस वाले फिगर के अंदर टोटल कितने ट्राइंगल है, 29।